नंदा एंटरप्राइज राजू महिडा प्रेजेंट्स एक याद किशोर के बाद बाय चेतन राणा में आप सभी का तहदिल से स्वागत करते हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम करते हैं ईश्वर वंदना के साथ, तो आज भी इसी भारतीय परंपरा को मद्देनजर रखते हुए आज की इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी हम करेंगे ईश्वर वंदना से। नमस्कार, आज की इस खूबसूरत शाम नंदा एंटरप्राइज प्रेजेंट्स राजू महिडा ऑर्गेनाइज्ड एक याद किशोर के बाद बाय चेतन राणा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तेरा
प्रार्थना छोड़ गे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। Once again, a very good evening to all of you. आज की इस खूबसूरत शाम नंदा एंटरप्राइज प्रेजेंट्स राजू महिड़ा ऑर्गेनाइज्ड एक याद किशोर के बाद बाय चेतन राणा में फिर से एक बार आप सभी का तह दिल से हम स्वागत करते हैं। मैं चाहूँगी जोरदार तालियां हो जाए आज की इस खूबसूरत शाम के लिए और इन पहले लफ्ज़ों के लिए, अल्फाजों के लिए जो आपने सुने वो समर्पित थे द ग्रेट लेजेंड, द वन एंड ओनली श्री किशोर कुमार के नाम। आज की ये शाम सजाई गई है उस लिविंग लेजेंड के नाम जो हमारे दिलों में ऐसी जगह बना के गए हैं कि आज तक हम उन्हें भुला नहीं पाए। आज भी कोई भी गाना अगर किशोर कुमार का सुनते हैं तो लगता है कि वो हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, हमारे दिलों में हैं। और आज ऐसे ही इस दिग्गज कलाकार को एक दिल से हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। वैसे तो किशोर कुमार इतनी सारी यादें हमें देकर गए हैं कि किसी एक शो में उसे समेट पाना वो नामुमकिन है, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो उनकी सबसे मीठी यादें हैं उन सारी यादों को आज हम समेट लेना चाहते हैं इस पूरे प्रोग्राम में। और आज किशोरदा की आवाज़ को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं द चेतन राणा, वैसे तो अहमदाबाद से उनका बहुत ही गहरा रिश्ता है, कई सारी शोज़ वो करते हैं यहाँ पर, यहाँ के दिलों पर भी वो राज करते हैं, तो आज भी आप सबका प्यार पाने के लिए वो यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे प्रेशियस गेस्ट हैं हमारे साथ जिनका फिर से एक बार मैं तह दिल से स्वागत करती हूँ। आज की संगीत की महफिल को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले जिस कलाकार को आज हम ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं, जिनके गानों को आज हम एंजॉय करने वाले हैं, उनके चरणों में एक नमस्कार करते हुए दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ महानुभावों के नाम यहाँ से अनाउंस करने जा रही हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू कम ऑन द स्टेज। और मैं चाहूँगी कि किशोरदा के इस खूबसूरत तस्वीर के पास जो दीप है उसे जलाकर आज की इस शाम का आगाज़ करें। मैं चाहूँगी सबसे पहले हमारे साथ जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्हें हम गुजरात का गौरव कहते हैं और हम जितने भी कलाकार हैं अहमदाबाद के, गुजरात के, हम सब उनको गुरु के नाम से जानते हैं, मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियों से स्वागत किया जाए श्री भूपेंद्र भाई पटेल का। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। उनका साथ देने के लिए एक और ऐसे ही नामी कलाकार हैं, वैसे तो वो कस्टम्स एक्साइज ऑफिसर हैं लेकिन दूरदर्शन के और रेडियो के बहुत ही जाने माने एंकर भी हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर सुदीप मुखर्जी। आज एक और शख्सियत हमारे साथ हैं जो चेस चैम्पियन हैं और आज उनका सौजन्य है आज के इस प्रोग्राम में, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। मैं बुलाना चाहूँगी, ज़ोरदार तालियों से स्वागत किया जाए श्री मयूर भाई पटेल का। उसके साथ साथ मैं बुलाना चाहूँगी श्री किशोर भाई, श्री रमेश जरीवाला एंड श्री एन शैलेश। आई रिक्वेस्ट कि आप तीनों भी स्टेज पर आएं और दीप प्रागट्य के इस विधि को संपन्न करें। आई रिक्वेस्ट सभी महानुभाव से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप किशोरदा की तस्वीर के आगे दीप जलाकर दिल से श्रद्धांजलि देकर आज की इस शाम का आगाज करें, इस शाम की शुरुआत करें। दीप प्रज्वलित हो रहा है। Thank you.
दोस्तों हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत और यहाँ पर हाजिर हैं जिन्हें मैं अब बुलाना चाहूँगी। वो स्पेशली मुंबई से यहाँ पर आई हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि शी इज़ हियर विथ अस टुनाइट। वैसे मुंबई की ये एक ऑर्गेनाइज़र भी हैं, पियानिस्ट भी हैं और बहुत ही अच्छी एंकर भी हैं। उनके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर अभी इस हमारी इंडस्ट्री में उपस्थित हैं, जैसे अनु मलिक हैं, बहुत सारे हैं, उन सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बच्चों को उन्होंने संगीत सिखाया है। अगर आपने फिल्म खामोशी देखी हो जिसमें मनीषा कोइराला है, उन्होंने जितनी भी बार पियानो बजाने का एक्ट किया है उसमें जिनकी उंगलियों का जादू छा गया था वो हमारे साथ आज उपस्थित हैं। मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियों से स्वागत किया जाए रूमा डे जी का। शी इज़ हियर विथ अस, शी इज़ अ ग्रेट पियानिस्ट और लंदन से उन्होंने ये डिग्री ली है और ख़ास करके ATCL स्पेशलिस्ट इन इंस्ट्रूमेंट टीचिंग, ये उनका डेजिग्नेशन है। वेलकम यू मैम इन अहमदाबाद। और जहाँ तक मेरी जानकारी है आप फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आई हैं ऐसे शो में, तो आज हमने तो बहुत कुछ सुना है लेकिन हम चाहेंगे कि आज आप अपनी खूबसूरत आवाज़ से, वैसे आप बहुत ही अच्छी एंकर हैं, तो हमारी ऑडियंस को भी कुछ सुनाएं। थैंक यू, गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले यहाँ पे बैठे मौजूद सभी संगीत के चाहने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अच्छा, वैसे हमारी आज की शाम डेफिनेटली किशोरदा के नाम है, लेकिन मैं उनके बारे में एक छोटा सा एक किस्सा आपको बताती हूँ। किशोरदा हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर थे कि जिनको, मतलब उनको उनका इंटरव्यू लेना कोई मामूली बात नहीं थी। तो इसलिए खुद एक दिन लता मंगेशकर जी ने उनका इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि दादा आप एक्टर हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आप म्यूज़िक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, गाना गाना या एक्टिंग करना। तो इस बात का जवाब किशोरदा ने दिया कि लता देखो ये जो एक्टिंग है ये झूठी है, इसीलिए इसको एक्टिंग कहा जाता है, लेकिन ये जो गाना है ये दिल से निकलता है इसीलिए वो सच्चा होता है। तो चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, दिल से मैं जो गाना गाता हूँ मैं हमेशा ही गाना पसंद करूँगा और बस वही मेरा मेन चीज़ रहेगा। तो इसलिए हम आज की शाम पूरी तरह से किशोरदा के नाम करते हैं। मैं यहाँ राजू महिडा जी की भी बहुत आभारी हूँ, संजय कंथरिया जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ऑल द वे यहाँ पे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस लव एंड रिस्पेक्ट। और मैं अभी आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन अ वेरी यंग ब्यूटिफुल टैलेंटेड एंड ऑल्सो वर्सेटाइल सिंगर फ्रॉम मुंबई। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर निरुपमा दे। थैंक यू पर, थैंक्स लॉर्ड। निरुपमा जी भी आज हमारे साथ हैं और खास करके चेतन जी का साथ देने यहाँ पर आई हैं इस संगीत की महफिल को सजाने के लिए। और आज इस खूबसूरत शाम से हम यही आशा रखेंगे कि जितने भी गाने हम सुने वो दिल से सुने। और आज की शाम इसलिए खास है क्योंकि हम चाहेंगे कि आप ना सिर्फ गानों को सुने लेकिन हमारे साथ साथ गुनगुनाएं भी। तो वंस अगेन निरुपमा दे इज़ विथ यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम चाहेंगे कि ढेर सारा प्यार आप इन्हें ज़रूर दें। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिमझिम गिरे सावन सुरे
थैंक यू सो मच. सच अ लवली वॉइस एंड सच अ मेस्मराइजिंग वॉइस. लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जितने भी आप ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे हैं, स्पेशली बालकनी में पीछे, उन सभी से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि ज़रा सा अपने दिल को थाम लीजिए, अपनी डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, क्योंकि अब मैं उस कलाकार को आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ जो आज के हमारी शाम के स्टार हैं. किशोरदा के गाने जितने भी बने हैं उसे निभा पाना बहुत ही मुश्किल है. सुनने में चाहे हमें वो गाने बहुत ही इजी लगे, लेकिन जब गाने की बात आती है तो उसमें बहुत ही मेहनत लगती है. एक शो आता था टीवी चैनल पर, के फॉर किशोर, और आज के हमारे जो लीडिंग स्टार हैं, ही वॉज वन ऑफ द फाइनलिस्ट. और कहते हैं कि संगीत का जो जुनून होता है, जो पैशन होता है, वो ज़िंदगी में सबसे ऊपर होता है. आप कुछ भी करो, लेकिन अगर संगीत के लिए आपका प्रेम है, आपकी चाह है, तो वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती. इसका बेस्ट एग्जांपल आज के हमारे स्टार सिंगर हैं चेतन राणा, जो आर्मी में थे. अब आप समझ सकते हो कि आर्मी क्या चीज़ है और म्यूज़िक क्या चीज़ है. दूर दूर तक दोनों का कोई कनेक्शन ना हो ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो आर्मी की जॉब को रिजेक्ट करके उन्होंने संगीत को अपने जीवन में अपना लिया, एंड नाउ ही इज़ अ स्टार. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं अब आपका बहुत वक्त नहीं लूँगी, और मैं चाहूँगी कि मैं उस स्पेशल कलाकार को आपकी खिदमत में पेश करूँ. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन द स्टार ऑफ टुनाइट, डैशिंग एंड डायनामिक, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर चेतन राणा. अरे दीवानों मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन. अरे दीवानों मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन. मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ कौन. अरे दीवानों मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन. अरे दीवानों मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन. मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ कौन. बता एक साथ है जरा ताड़ियों तो पाड़ो बैठा बैठा. कम ऑन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ डॉन. अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं. लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं. आवारा बादल को सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन. हर दीवानों मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन. अरे यारों का तू यार हूँ, यारी में वो जानू ना दे जो मैं हूँ.
छुड़ा देखो, अहमदाबाद में कौन कैसा है, अरे दीवानों मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, अरे दीवानों मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं कौन। दोस्तों पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप इसी तरह से प्यार मुझे दे रहे हैं और हर दो महीने के बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, उसका शुक्रिया तो मैं करना चाहूँगा। राजू महिड़ा और हमारे संदीप जी कहाँ हैं, संदीप जी, वेरी संदीप जी, सुदीप जी, अरे सॉरी, इजी सॉरी, सच अ एक्सेलेंट पर्सन एंड अ गुड सिंगर। हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम दादा के, मैं निरुपमा को भी कह रहा था कि मतलब इन लोग जो जितने भी लीजेंड्स हैं उन लोग इतना कुछ करके, हम लोग उनकी नाखून के बराबर भी नहीं है। उनके गाए हुए गाने जस्ट एक पैशन होता है जिसे हम लोग गाना शुरू करते हैं, और आप जैसे लोग हमें प्यार देते हैं और हमको इस मुकाम पे लाते हैं, तो क्रेडिट गोज टू हिम एंड यू। शायद आज जैसे हम लोग उनका ये जो एनिवर्सरी आ रही, डेथ एनिवर्सरी 13 अक्टूबर आज, मतलब वो हम सबको छोड़ के चले गए, तो ही वॉज अ वेरी म्यूजिकल पर्सन। मैं उनके जन्मदिन पे, मेरा सौभाग्य था इस साल कि मैंने उनकी जन्मभूमि खंडवा में परफॉर्म किया, उनकी समाधि पर गया मैं, उनके सारे बहुत सारे लोगों जो उनके करीबी थे उस ज़माने में उनसे बहुत मैंने इंटरेक्शन किया, तो पता चला कि वो जितने बहुत ही एसेंट्रिक पर्सन थे लेकिन अंदर से उतने ही बड़े सीरियस थे। इसलिए आप जानते हैं कि किशोर दा ने अपने हर गानों में हर मूड को इतना अच्छा बरकरार रखा हुआ है, और ज़िंदगी के खूबसूरत फलसफे को उन्होंने हमारे उस सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के लिए एक खूबसूरत फिल्म में गाया, जो एक गाना अपने आप में एक लैंडमार्क हो गया। द सॉन्ग, द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग विच वॉज सो मच रिलेटेड टू किशोर दा, सो पेश की खिदमत है एक खूबसूरत गाना। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी नगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। Thank you.
ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई, उन ऐसे भी है जो खिले को खिलने से पहले खिजा पा गई। है परेशान नजर थक गए चार दर, कोई समझा नहीं कोई जाना, दोस्तों उनकी उसी पर्सनैलिटी को बरकरार रखते हुए और एक खूबसूरत गाना, जैसे हमेशा वो अंदर से बहुत तन्हा थे, तो एक और एक खूबसूरत गाना है, बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन। दिस पर्सन हु इज, जिसको बॉलीवुड में प्यार से दादू कहते हैं, जिनका नाम है रविंद्र जैन, बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं, मतलब इतने इम्प्रोम्प्टू कलाकार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उनकी एक कंपोजिशन है फिल्म चोर मचाए शोर से, अगेन किशोरदा के उस सेंटीमेंट्स को याद रखते हुए। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं।
की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं लग रहा ना, लागे छे ने थोड़ू, सॉरी नवू કિશોરદાની યાદનો પ્રોગ્રામ છે, તો કિશોરદાના નવા ગીતો પણ આવશે, એટલે જે લેટેસ્ટ અમને ગાયા છે, પણ ધીસ ઇઝ અ સોંગ ધેટ વી વોન્ટ ટુ ડેડિકેટ ટુ કિશોરદા. કયું કયું? આનંદ. આનંદમાં તમે બહુ આનંદમાં લાગો છો લાગે. એક ઓર ખૂબસૂરત ગાના હૈ જો કિશોરદાને અપને ગાનો સે હમ લોગ સબકો જો ઇન્સ્પિરેશન દી હૈ, उन्हीं के गाने सुनते सुनते और हम लोग आगे बढ़ते हैं. और एक खूबसूरत गाना है जो पियानो के साथ उन्होंने, विनोद मेहरा इस फिल्म में है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, आई एम श्योर यू लाइक दिस. गीत गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं. गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं. ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल है, इतने फूलों से नाजुक मेरे बोल है. ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल है, इतने फूलों से नाजुक मेरे बोल है. सबको फूलों की मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं. रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है किधर. रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है बिखर. साफ है अब ये दर्पण, दिखाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं, गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं. गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं,
इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। और जो नए वाले थे उनके लिए मैं अभी थोड़ी सी औकात पे आता हूँ। आनंद वाले वधारे आनंद में आवी जैसे कौन से खबर छे? हाँ, राजेश खन्ना साहेब, बापरे, अपने इन्हें प्रेम थी काका जी कही। ओके, सो उन्हीं की फिल्म का बहुत ही खूबसूरत गाना है जो पेश करने जा रहा हूँ। से गियर मारे से गाड़ी। और इसके बाद ऐसी फिल्म जिसमें आप लोगों को साथ में गाने, साथे गासो ने पण सु गावानु छे, पण तुम्हारो कॉन्फिडेंस मने गम्यो। आई लाइक द कॉन्फिडेंस, दैट्स इट, बिकॉज गाना ऐसे ही होना चाहिए बिंदास, जैसे बोलते हैं ना, क्योंकि किशोर दा आपको मालूम है कि ज्यादा सीखे हुए नहीं है, और उनमें और मुझ में यही समानता है, मैं भी सीखा हुआ नहीं हूं। और हमारी जो निरुपमा और जो जितने भी सिंगर्स हैं उनको क्या, उन्होंने बाकायदा गाने की ट्रेनिंग ली है गुरुजी को सामने बैठा के, और हेड्स ऑफ टू गुरुजी जो सामने बैठे हैं। सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम, गुजरात में आप प्राउड छो, पर एज आई सेड आई बिलोंग टू मिलिट्री स्कूल एंड देन माय बैंकिंग करियर, लेकिन ऐसे गाना सुनता था जितने भी लोग थे, लेकिन क्या है जितने भी लोग हैं सब गाने सीखे हुए, मेरा क्या, मैं पैदाइशी सिंगर हूँ, पैदा हुआ था इसी गाने लगा था। साइड में नर्स खड़ी थी, खुश हो गई थी, लेकिन मैं छोटा था।
तो आप लोग भी मेरे ख्याल से ऐसे ही हैं, बताइए बात छो ना महाराज एम, अरे हाँ क्या ना, हाँ तो अभी मस्ती करिए। एक सरस जेम ने इस फिल्म को इन्होंने खुद कंसीव किया, मतलब इसमें डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर गाने से लेकर लिरिक्स से लेकर बहुत सारी फिल्में की, दिस वॉज हिज लैंडमार्क मूवी, और इसमें आपको मेरे साथ गाना है, और वो विचित्र आवाज़ जो आपको निकालनी, जो किशोर दास जिसके लिए फेमस थे। तैयार है सब गाने के लिए? हो क्या करनी है आपको आवाज, कौन सी आवाज निकालनी है? ये बात, अरे वाह, कौन है वो आवाज निकालने वाला? ऊपर वाले सब तैयार है? ऊपर वाले से मुझे बहुत प्यार है, क्यों मालूम? एक तो ऊपर वाले के नजदीक हैं, हमसे थोड़े दूर रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, हर चीज की फुर्सत होती है उनको। जरा जोर थी कर जो ऊपर वाला, जरा ही लाज रख जो वहां पर हो। जरे गीत नहीं साथ रहे तो रेडी, 1 2 1 2 3 4 साथे ताली पर कम ऑन। मंजिल पे मेरी नजर में दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाना चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू के घूमू, मैं ये प्यार कहे सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर में दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाना चला। Idiot!
તમે તાળીઓ પાડતા નથી યાર, મજા નથી આવતી. ગાડી ગિયરમાં આવે એટલે મજા આવે છે ને. એવું છે, જયારે એક્સપ્રેસ વે આવે ને જયારે ગાડી 120 ને 130 ને 140 ની સ્પીડ પર જતી હોય તો બહુ જ મજા આવે. પાછું કરીએ એકવાર કોમ્પિટિશન કરીએ પાછી. પણ તમારે તાળીઓનો અવાજ નથી આવતો યાર. હમારે મ્યુઝિશિયન્સ બિચારે દેખો, હમારે જો હે ભાઈ સાહેબ યહાં પર બેઠે, મેરે ખ્યાલ છો કિશોરદા કી ઉમર કે હોંગે. સર તમારું નામ શું છે? હસે છે યાર, નામ નામ પૂછવામાં હસવાનું સાનું. કંઈક કોમેડી નામ છે તમારું? અનિલભાઈ. હા અનિલભાઈ, અનિલભાઈ માટે જોરદાર તાળી વગાડો પ્લીઝ. એસે સિનિયર મ્યુઝિશિયન્સ આજ અચ્છા લગતા હે, બીકોઝ ઉન્હોને મેરે ખ્યાલ સે અમદાવાદ શહેર મેં બહુત બડે બડે અચ્છે પ્રોગ્રામ કિયે હોંગે. આજ મેરા નસીબ હે કે આજ ઉનકે સાથ મેં સુબહ મેં રિહર્સલ મેં થા તો ઉનકો દેખ કે બહુત અચ્છા લગા. ઓર યે અચ્છી બાત હે કે એસે સિનિયર મ્યુઝિશિયન્સ સ્ટેજ પે હોને ચાહિયે જિનકા એક્સપિરિયન્સ કામ આતા હે. કરીએ પાછું વન્સ મોર તાળી ઇન સાથે. હા કે નહીં? 1 2 3 4. મજા આવી ગઈ. કરશન કાકા ક્યાં ગયા? કરશન કાકા કે અમુક કાકા બાપાના, અમુક કાકા બાપાના ને મુમાફ હોય ના. હવે અવ ઇસ ગાને કે બાદ એક ડ્યુએટ ગાના આપકે સામને પેશ હોને જા રહા હે. ઓર ઇત્તેફાક સે યે ડ્યુએટ ગાના ભી કિશોરદા ને હી ગાયા હુઆ હે. ઉનકી એક ફિલ્મ આઈ થી અગેન અ માસ્ટરપીસ, જિસ ફિલ્મ સે મેરે ખ્યાલ સે જીતને ભી હી વોઝ સચ અ ગુડ સિંગર, બહુ અચ્છે સિંગર તો થઈ લેકિન હી વોઝ એન ટ્રેમેન્ડસ એક્ટર ઓલ્સો. જીતને ભી અગર આપ હમારી બોલીવુડ કે કોમેડિયન્સ કો જીતને ભી લે લો આપ, ફ્રોમ મહેમૂદ સાહેબ ટુ જોની લીવર, આજ કે જમાને કે જીતને ભી લોગ હૈ વો હમેશા કિશોરદા કે ઉસ કોમિક ટાઈમિંગ કો ઇતના માનતે, ઇતના માનતે, ઉનકો આઇડલ માનતે કે કિશોરદા ક્યા ઇન્સાન થે. મતલબ ઉન્હોને ઉસ ફિલ્મ મેં, ઇફ યુ હેવ સીન, કિતને લોગો ને ફિલ્મ દેખી હાફ ટિકેટ, બહુ ઓછા લોકો જોઈ છે. એમાં એમને જે નાના છોકરાની એક્ટિંગ કરી હતી હી વોઝ સુપર. સો એક ખૂબસૂરત ગાના હૈ જો મેં યહાં આપ લોગો કે સામને પેશ કરને જા રહા હું. ઓર હમારે મ્યુઝિશિયન ને બહુત એક્ચ્યુઅલી એક બાર મેં ચાહુંગા જોરદાર તાલી બજા દી ફોર ઓલ ધ લવલી મ્યુઝિશિયન્સ હિયર. આપ જાનતે હૈ કે આર્ટિસ્ટ એક સીઝન મેં કામ કરતા હૈ ઓર અભી હાલાંકિ આપ જાનતે હૈ કલ સે નવરાત્ર શરૂ હો રહા હૈ. બોલો અંબે માત કી. હા તો કલ સે નવરાત્ર શરૂ હો રહે, બહુ સારા મ્યુઝિશિયન્સ યહાં વહાં થોડે સે બિઝી હૈ, તો જો હમારે પાસ અવેલેબલ થા સબ અચ્છે અચ્છે કલાકાર વો યહાં પર આપકે સામને પેશ હોને જા રહે હૈ. બિકોઝ ઇન અ શોર્ટ ટાઈમ વી હેવ રિહર્સ્ડ, સો હિયર ઇઝ અ સોંગ ફ્રોમ હાફ ટિકેટ. गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए जान सारी नगरिया. किसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया. Oh,
अगरे अगरे पढ़ के बुतन छेड़ दी चकड़ काम करो गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं ना आए कर हट जाओ ना सताओ हट जाओ हाय ना सताओ नजरिया ओ गुजरिया पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ तोरे नैना ओ मीठे बैना तोरे नैना हाय हाय मीठे बैना हाय 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 मुझको बना गए सावरिया किसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सावरिया हाय हाय तुझे ने सारी नगरिया दे गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया होय होय ओ जाने सारी नगरिया किसी भी नदी दिल पे जैसे कटरिया ओ गुजरिया ओ सबरिया ओ गुजरिया सबरिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और अभी एक वाकई ड्यूएट की बारी है और मैं यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ वेरी मेलोडियस एंड वेरी वेरी मैं हमेशा बोलता हूँ निरुपमा यार इतना अच्छा कैसे गाती हैं आप थोड़ा मुझे भी हुनर दे दीजिए आपके ऐसा तो प्लीज़ वेलकम विथ योर लाउडर अप्लॉज निरुपमा डे हु इज़ ऑल्सो सारेगामा फेम सारेगामा में थी जरा ताली और ताली सु थी यार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर दिस वंडरफुल कपल हु आर गोइंग टू सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स फॉर यू कपल बोल दिया बट बिफोर दैट आजना प्रोग्राम में केटला खास लोगों आपने खूब सहयोग आप्यो छे वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू नाइन इवेंट्स ओरियन क्लब ना सेक्रेटरी श्री मनोज भाई झरमरवाला जॉइंट सेक्रेटरी श्री अजीत भाई पटेल श्री अमूल भाई दलेल पारिक कल्चरल ग्रुप अरेना एनिमेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैपनिंग कल्चरल ग्रुप थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट थैंक्स अ लॉट हजार राहें मुड़ के देखी कहीं से कोई सदा न आई पैरों में जा रे कितने
किशोर दा ने गाया था थोड़ी सी बेवफाई में, बहुत ही मतलब खयाम साहब की कंपोजिशन है। उनको इतना तो मालूम ही था किशोर का बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर है, लेकिन खयाम दा की कंपोजिशन कुछ इस तरह से मतलब थोड़ी सी गज़ल नुमा होया कर रही, तो बट किशोर दा डिड जस्टिस टू द सॉन्ग। और आइए एक ऐसे ही अगेन थोड़ा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत गाना फ्रॉम कुंवराबाग, जिसके कंपोजर हैं राजेश रोशन साहब, बहुत ही खूबसूरत गाना है। सुख को बड़ा तुझसे,
तेरे लिए मेरी जान, जहर हजार मैं पी लूंगा, तज दूंगा दुनिया, एक तेरे संग जी लूंगा। ओ नजर के नूर आरिया प्यारा गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है, लवली कंपोजिशन। और फिर से हम लोग इस तरह से कुछ सेंटिमेंटल जो आज किशोरदा को याद करते हुए कुछ इस तरह के भी गाने लेंगे, बिकॉज ऐसे खूबसूरत गाने हैं जो उन्होंने गाए हैं। और आइए फिर से हमारे औकात पे आ जाते हैं और जो ऊपर आनंद भाई साहब बैठे उनको और आनंद मिलाते हैं। चलो जरा ताड़ी वाड़ी पढ़ो यार, यू नो द सॉन्ग राइट। हाँ जय बोलो शिव शंकर की जय।
कंकर, काटा लगे ना कंकर, हो जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। What an effort. Awesome singing. Haan, thase, thase. Once more, thase. Namak? Namak kon halao se, bhai? Thank you, Nirupama ji. Thank you. Hum log ek aur yahan par, jaise Shankar Bhagwan ki baat hui hai, to ek aur bhajan aapke samne pesh karne ja raha hu. Aur is bhajan mein mera saath dene ja rahe hain hamare Bharat bhai. Zara Bharat bhai ke liye zordaar taali baja diye, please. Put your hands together for Bharat bhai. भजन में थोड़ी सी तब्दीली है, बोलते हैं कि एक शंकर भगवान का हो गया तो अभी और थोड़ा सा पॉज दे, तो एक खूबसूरत युगल गीत हमारे जॉनी मेरा नाम है, देवानंद साहब हिलते थे ज्यादा, उनके गाने बहुत गाए हैं किशोरदा ने, तो एक खूबसूरत उनकी फिल्म से खूबसूरत गाना है।
गाता रहे मेरा दिल। गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन। करने वाले पर प्यार ही करेंगे, चलने वाले चाहे चल चल मरेंगे। प्यार करने वाले पर प्यार ही करेंगे, चलने वाले चाहे चल चल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं तो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। शुक्रिया आप लोगों का। और इस गाने के बाद वो जो भजन जिसका मैंने कहा था उस भजन की बारी है, उसके लिए मैं भरत जी के लिए जोरदार ताली चाहूंगा वंस मोर। ये भजन हमारे दो कलाकारों ने मिलकर गाया है यहाँ पर। मैं इस गाने को इस भजन को अकेले पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं भरत भाई, क्योंकि भजन में बहुत आड़ी टेढ़ी चीजें हैं। उन्होंने मुझे आज सुबह बताया कि बहुत आड़ा टेढ़ा है, आप साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए, तो हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, कोशिश करते हैं। भजन की शुरुआत करते हैं, बोलो सियावर रामचंद्र की। तेरे 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 बजाओ भगवान के लिए ताली, बजा दो तेरे लनु। यक चतुर नायर कर कै सिंगार, यक चतुर नायर कर कै सिंगार। मेरे मन के पार ये अघुसत जात, हम मरत जात हर ले। चतुर नायर कर
सा हम 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 रुक हम रुक हम रुक हुआ एक चतुर नार बड़ी होशियार एक चतुर नार बड़ी होशियार अपने ही जाल में हसत जात हम हसत जात अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार तू क्यों गोरी ज्ञान कर कर लाख लाख दुनिया चतुराई चूती कर दूंगा मैं उसकी अब के तू आवाज लगाए चूती कर दूंगा दे जारे जारे कारे कागा का 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 क्यों शोर मचाए उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए काला रे काला रे गारे गारे काले लाले में जाते मुदों के आ काला रे गारे गारे गड़बड़ गारे गारे फिर बट गया गारे गारे सुर किधर है गारे गारे फिर बट गया गारे गारे छी यन्ना दो ये सुर मटिल रे सुर किधर है एक चतुर नर हम छोड़गने रे एक चतुर नर हम पकड़ कर रखेंगे रे मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात चतुर नर करके सिंगार नाच न जाने आंगन तेरा तू क्या जाने क्या है नारी किस तन लागे मोरे नैना उस बेसारी दुनिया वारी नाच न जाने आंगन तेरा 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 सीधे हो जा रे सीधे हो जा रे सीधे हो बाहर चंदनिया वार चकोरे राम बनाई कैसी जोड़ी करे नचैया ना दिन दिन्ना ना दिन दिन्ना काल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी अरे देखी तेरी चतुराई ये गाड़ा बड़ा अरे देखी तेरी चतुराई फिर बढ़ताया तुझे सुर की समझ नहीं आई तूने पूरी घास ही खाई अरे गोड़े ये बड़ा बड़ा ओने गोड़े ये गाली दी अरे देखी तेरी एक चतुर नर अरे देखी तेरी एक चतुर नर भैया गोड़े तेरी एक चतुर नर भैया गोड़े तेरी ये चतुर ये गोड़ा छी ये क्या रे गोड़ा चतुर चतुर गोड़ा किसी एक बरी या तो गोड़ा बोलना या तो चतुर बोलना का एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात अरे चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार करके सिंगार अपने ही जाल में घुसत जात हम हंसत जात हम मरत जात तुम मरत जात तुम मरत जात अयो अटक गया सारे गामा
सिर्फ 5 मिनट का मध्यांतर हम देते हैं और इसके बाद फिर से एक बार इस संगीत की महफिल में आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। Thank you.
फॉर दिस लवली सॉन्ग. और सच में ऐसा लग रहा था कैसे हम सितारों की दुनिया में पहुंच गए हैं, सुरों की दुनिया में पहुंच गए हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर से एक बार इस दूसरे दौर में मैं उसी कलाकार को बुलाना चाहूँगी जिनका साथ आप लोगों ने अब तक इतने खूबसूरत अंदाज से दिया है और आगे भी देंगे, ये मेरी आशा है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन मिस्टर चेतन राणा वंस अगेन on stage with lots and lots of energy and lots of power. और चेतन जी, ऑडियंस को आपके हवाले करती हूँ. अरे मैं उनके हवाले हूँ, वो मेरे नहीं. मैं वही हमेशा ऑडियंस के लिए ही कहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर अच्छे से अच्छा सिंगर या अच्छे से अच्छा एक्टर अपना फन अच्छी तरह से पेश नहीं कर सकता जब तक कि ऑडियंस उसका साथ ना दे. अगर ऑडियंस अच्छी हो तो आर्टिस्ट अपना और बेस्ट देता है. सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द ऑडियंस फर्स्ट एंड देन द आर्टिस्ट. अगेन एक खूबसूरत मेलोडियस गाने से शुरू करते हैं. इस बार हमारे राजू भाई ने गाने थोड़े ऑर्डर, बिकॉज बहुत सारे इस तरह शोज होते हैं, बट देर आर सम सॉन्ग्स विच आर वेरी गुड कंपोज, मतलब बहुत ही अच्छे कंपोजिशन हैं, लेकिन ज़्यादातर शोज में होते नहीं है. बट ही इज ट्राइड हिज बेस्ट टू टेक सम सॉन्ग्स विच आर रेगुलरली नॉट संग इन, ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा में गाए नहीं जाते हैं. सो ऐसे ही खूबसूरत गाना है, फिल्म का नाम है लाखों में एक, जिसमें बहुत ही खूबसूरत किशोरदा का गाना है. चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी नींदिया, जागे सारे रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारे रहना तेरे मेरे नैना. चंदा चंदा, चंदा चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी नींदिया, जागे सारे रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारे रहना तेरे मेरे नैना. हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं. हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं. मैंने तो गुजारा जीवन सारा बेसहारा हो, जागे सारे रहना तेरे मेरे नैना. चंदा चंदा, चंदा चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी नींदिया, जागे सारे रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारे रहना तेरे मेरे नैना.
तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसने न जानी, तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसने न जानी। साथी ये अंधेरा जैसे मेरा वैसे तेरा हो, जागे सारे रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारे रहना तेरे मेरे नैना। चंदा 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 किसने चुराई तेरी मेरी नींदिया, जागे सारे रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारे रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारे रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारे रहना तेरे मेरे नैना। सॉर्ड है लेकिन गुड कंपोजिशन। और अगेन आप लोगों का हमेशा से पसंदीदा नगमा, ब्यूटीफुल सॉन्ग, अगेन हमारे शंकर भगवान को याद करते हुए। भोले ओ भोले वो रूठा दिल टूटा मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। भोले क्या होगा फिर
अनुपम फिर तू ना नाचे प्यार अगर न माने मेरे प्यार को मना दे वो प्यार फिर जगा दे मेरे यार को मना दे वो प्यार फिर जगा दे बोले हल्की सीटी किसकी थी भाई एक बार जरा फिर से बजाइए सीटी हाँ आइए दोस्तों फिर से हमारे एवरग्रीन हिलो देवानंद साहब की बारी है और उन्हीं के अगेन बहुत ही खूबसूरत फिल्म जॉनी मेरा नाम उससे एक और एक खूबसूरत गाना पेश है पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले झूठा ही के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही हमने बहुत तुमको छुप छुप के देखा हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा दिल में खींची है तेरे काजल की रेखा काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा राम में क्यों तूने रावण को देखा राम में क्यों तूने रावण को देखा खड़े खिड़की पे खड़े खिड़की पे चौकी स्वीकार कर ले झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही जड़े तेरे नैन बड़े जिस दिन से लड़े तेरे दर्द बड़े हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े जिस दिन से लड़े तेरे दर्द बड़े सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जा अपनी निकल जाए ए न कहीं जरा हाँ कह दे मेरी जा कह दे मेरी जा कह दे जरा हाँ कह दे जब रैन पड़े नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े माना तू सारे हसीनों से हसी है माना तू सारे हसीनों से हसी है अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है कभी तू भी ओ कभी तू भी हमारा दीदार कर ले झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही झूठा ही सही झूठा
और अगले गाने के लिए मैं खास हमारे जो हैं अहमदाबाद के आपके सबके चहीते राजू महिड़ा, जिसकी बदौलत उन्होंने आपके बीच मुझे यहाँ पर जितना थोड़ा बहुत जो प्रचलित किया है, मैं चाहता हूँ राजू महिड़ा के लिए जोरदार ताली बजाए। राजू महिड़ा जी आइए, अरे ताली वाली बजाइए यार, क्या आप लोग। राजू भाई बहुत अच्छे इंसान है, आज उन्हीं की बदौलत मेरे इतने शोज जो हो रहे हैं। थैंक्स राजू भाई, आप और ऑडियंस इनके लिए जोरदार ताली बजाए। और उनका एक गाना है आपको सबको मालूम होगा, हिज वेरी फेवरेट सॉन्ग, मालूम है आपको उनका गाना कौन सा है? एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो हर बार उम्मीद कहते कि मेरा गाना है, फेवरेट गाना है, बिन फेरे हम तेरे। एक तो फेरे वाले हैं घर में, बाकी बहुत सारे जो बिन फेरे हैं। तो राजू भाई की पर्सनैलिटी है और शायद इसीलिए उनके गाना बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इट्स अ लवली सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत है। एक ऐसे जज्बात, जैसे कहते हैं कि हर रिश्तों का ज़रूरी नहीं कोई नाम हो, तो ये गाना वैसे ही रिश्तों पे हैं जिन पे कोई नाम नहीं है लेकिन इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अटैच होते हैं, और ये बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं गाने के। तन के रिश्ते टूट भी जाए, टूटे न मन के बंधन। जिसने दिया हमको अपनापन, उसी का है ये जीवन। बांध लिया मन का बंधन, जीवन है तुझ पर अर्पण। बिन फेरे हम तेरे, हम तेरे हो बिन फेरे, हम तेरे बिन फेरे, हम तेरे हो बिन फेरे, हम तेरे तेरे हम तेरे। थैंक यू चेतन जी, थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज की शाम आपका स्वागत करना चाहते हैं, स्पेशली आप यहाँ पर आए हो। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी श्री सुदीप मुखर्जी को कि वो आए और चेतन जी को आज की शाम सम्मानित करें। इट्स आर ऑनर दैट यू आर हियर इन दिस फंक्शन विथ अस। मैं चाहूँगी इन दोनों के लिए ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, को सिंगर भी हैं। और लास्ट मुझे अच्छा लग रहा है कि एक सिंगर जो आप ही के शहर से हैं और वो मेरा सम्मान कर रहे हो, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान की बात है। थैंक यू सो मच सुदीप जी। जो हमने 9 तारीख को अगस्त को जब शो किया था तो उसमें हमने कभी अकल्पनीय हमको रिस्पॉन्स मिला कि एक के फॉर किशोर के फाइनलिस्ट ऐसे सिंगर हमारे अहमदाबाद शहर में आए और उसके साथ ये नाचीज सुदीप मुखर्जी के साथ एक साथ एक ही स्टेज पर शो करें। एंड इट वाज हिज ग्रेटनेस कि और उनकी जो जो एक बॉडी लैंग्वेज थी इतनी पॉजिटिव थी, मुझे इतना अच्छा लगा था। मतलब और कभी थी, अभी नहीं है। नहीं नहीं, उस दिन शो में एज एन आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ। और इसके लिए ये रियली बहुत ज़्यादा आपकी तालियों के हकदार हैं। जरा दूर तालियों से इनका। थैंक यू सुदीप। मैं श्री निरुपमा डे जी को बुलाना चाहूँगी कि प्लीज़ आप आइए और आज की शाम उनका स्वागत करेंगे श्री मयूर भाई पटेल। अरे ताड़ी पाड़ो यार, ऊपर वाला अरे सुई गया छोगे छू। हाँ, अब मैं चाहूँगी कि जोरदार तालियों से स्वागत हो श्री राजू महिड़ा जी का, जो आज के हमारे शो के ऑर्गेनाइजर हैं और
ऐसी बहुत सारी खूबसूरत म्यूजिकल नाइट्स वो ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े बड़े स्टार्स को यहाँ पर इनवाइट करते हैं, और उनको सम्मानित करने में बुलाना चाहूँगी मिस्टर हारून शीपा। मैं श्री सैमसन राणा जी से गुजारिश करूँगी कि आप भी आएँ। आज की शाम उन्होंने हमारे पूरी ऑर्केस्ट्रा टीम को लीड किया है, उसको कंडक्ट किया है, उनका ऑर्केस्ट्रा है आज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियां हो जाए, और उनको सम्मानित करेंगे श्री अनवर भाई मंसूरी। अनवर जी से मेरी गुजारिश है कि सैमसन भाई को सम्मानित करें। लगता है इनको गोद में उठाना पड़ेगा। हाँ, किनकी? अरे अनवर भाई का आज बर्थडे है। आइए आइए भाई साहब। अनवर भाई, अनवर भाई आइए ना यहाँ पर, आपका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से लोगों के गले मिलते रहिए और झूलते रहिए। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक्स अ लॉट। मेरे यहाँ आने में एक साल ही हुआ है, लेकिन संगीत में तानसेन के साथ कानसेन की भी जरूरत है। तो बहुत सारे कानसेन लोग जो यहाँ उपस्थित है, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, और जो मैं आगे अभी आने की कोशिश कर रहा हूँ और सपोर्ट मैं सबको साथ लेकर चलूँगा, इसमें राजू मेड़ा जो ऐसे इंसान है, एकदम सीधी सी बात बिल्कुल क्लियर कट पहले से ही प्रोग्राम शुरू से करने से कर देते हैं, और बहुत ही बढ़िया, उनका नेचर भी बहुत बढ़िया है, और उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया है, और साथ में सुदीप मुखर्जी भी, जिन्होंने बहुत सारा, यहाँ हेमंत कुमार का भी एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदान किया है, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और जो लोगों ने हमको सपोर्ट दिया है, बालकनी सब हमारे साथ वाले सब दोस्त लोगों को हमारा शुभकामना है, थैंक यू वेरी मच। ये बात मयूर भाई के जितने भी दोस्त हैं। अच्छा, परीशी वर्मा जो कि आज के इस प्रोग्राम का संचालन कर रही हैं, उसके लिए मैं चाहूँगा कि ज़रा ज़ोर तालियाँ हो जाएँ। बहुत ही जितनी कम उम्र की दिखती हैं, मगर उतनी ही मैच्योरिटी से और उतनी सूझबूझ के साथ इस प्रोग्राम को संभालती हैं, किसी भी प्रोग्राम को और किसी भी अच्छे सिंगर को एक अच्छा समा बांध के देती हैं। मैं श्री यासीन भाई टिनुपाल वाला साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया जो है परीशी वर्मा का स्वागत करें। परीशी के लिए एक बात कहना चाहूँगा, वजन इतना नहीं लेकिन बातों में बहुत वजन है बॉस, जरा ताली बजे उनकी बातों के वजन के लिए। यस परीशी, बैक टू यू। मेरा इस शो में इतना वजन बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आइए इस गानों का दौर आगे बढ़ाते हैं, और हमारे काका जी को याद करते हैं, और उनके एक खूबसूरत ड्यूएट गाने को हम लोग यहाँ पेश करने जा रहे हैं। मैं निरु चेस प्लेयर, किसका बर्थडे और किसका बर्थडे क्या होता है ना, चेस की चाल तो चल जाते हैं बोर्ड पे, नॉर्मल चाल नहीं चल पाते, ये अक्सर इंसान का ऐसा होता है। जैसे हम लोग यहाँ गा तो लेते हैं, लेकिन आप बोलोगे कि भाई नीचे आके भाई गाओ, तो हम लोग थोड़े डर जाएंगे, ऑडियंस के सामने हमको एक एनर्जी मिल जाती है। जैसे चेस बहुत अच्छा खेलते हैं, वहाँ चल चल लेते हैं, यहाँ पे थोड़े से हड़बड़ा गए। तो आइए एक ऐसे ही खूबसूरत गाना पेश है, ड्यूएट सॉन्ग। तेरा सुना के प्यार जीवन
जाए सपने, मैं डरता हूँ इस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने, मैं डरता करता हूँ। मैं न कजरारे मतवारे के इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। वादा करना पड़ेगा आप दोनों को कि आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने ऐसा कहा कि भाई चेतन जी बहुत कम बार यहाँ पर आते हैं, उन्हें बार बार यहाँ आना चाहिए, शायद आप उनको बहुत पसंद आ रहे हो। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ही कोई एक गाना भी आप उनको डेडिकेट कर दो और ये वादा कर दो कि आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे। कितने लोग हैं भाई जो चाहते हैं मैं यहाँ पर आऊँ बार बार? ऊपर है, ऊपर है, अच्छा ऊपर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये अगला गाना है वो बहुत ही, ही इज ऑल्सो वेरी फेमस, और उनके एक स्टाइल हुआ करता था बात करने का, जैसे वो मान गए राधा रानी। कौन है ये? मान गए राधा रानी, वो उनका स्टाइल ऐसे से हुआ करता था, ऐसे से डांस करते थे। हाँ शशि कपूर, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है पर वी होप के जल्दी से ठीक हो जाए। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। मुझे ये कह दो भीगे लोगों की नरमी मेरे लिए है, ओ जवान नजर की हंस
हंसी मेरे लिए है, हंसी अदा की शोखी मेरे लिए है। मेरे लिए लेके आई हो ये सौगात, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं देखो जरा पीछे रखो जब तुम हो जब मैं भी हूँ। ला 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 आइए। कर्ज, हाँ ये कर्ज रहे से आप मारो, तुम्हारा पर कर्ज है कि आटलो प्रेम तुमने आप तो एक और एक खूबसूरत गाना हमारे काका जी का लेते हैं। ये मुझ पे बहुत बड़ा कर्ज है कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं हम दोनों को इस यहाँ पर इस मंच पे, क्योंकि निरुपमा यहाँ पर बॉम्बे में बहुत बड़ा नाम है और आज संजय भाई कंथारिया और आपके प्यार की वजह से वो आज यहाँ पर आई है और आपका प्यार पा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। राइट, इतना ही बोलूँगी, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने प्यार से सुन रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कीजिए मैं ऐसे ही आप लोगों को सुना सकूँ। बहुत अच्छा। अरे यार आप लोग, इसने जब बोला कि मैं आपको सुना सकूं तो मुझे सुनने में लगा मैं सुला सकूं, मतलब लोग सोने थोड़ी आए यहाँ पर, सुनने के लिए आए हैं। जोक सपाट, आइए एक खूबसूरत गाना लेते हैं हम लोग, जिनत मान एंड राजेश खन्ना। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए बाबू कहाँ जावे, हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ओ बाबू की आए मोहिया, जाने क्यों अब इसके पास। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तो चले। गाड़ी सके तो चले तेज, मंजिल है दूर, थोड़ा सफर का मजा लीजिए ए हजूर।
थोड़ा सफर का मजा लीजिए ए हुजूर, रास्ता कटे फिर किस तरह, हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की बाबुल की आए मोहैया। जाना कहाँ है बताओ शहर का नाम, ले चल जहाँ तेरी मर्जी तेरा है काम। अरे जाना कहाँ है बताओ शहर का नाम, है इतना ऐतबार, मैंने किया है तुमसे प्यार, हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले, मैं चाहूंगा निरुपमा जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए फॉर बीइंग हियर। थैंक यू चेतन जी। अरे नहीं नहीं, बहुत बहुत थैंक यू। जरा जोरदार ताली प्लीज, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अ लवली सिंगर निरुपमा डे, जो डे के साथ हमारे साथ नाइट्स में भी रहती हैं शोज में। इना मीना डी का हाँ अच्छी पिक्चर थी, तो गुड मूवी, ऋषि कपूर था ना फिल्म में। दोस्तों अब सबसे खास बात कहना चाहती हूँ कि आज के शो के शुरुआत में छुप के क्यों कह रही, बाहर आके कहिए ना, लोग बोल रहे हैं कहाँ के, क्यों छुप के कह रही हैं परेशी। मैं आप सबसे यही कहना चाहती थी कि शो के शुरुआत में जितिन जी अगर आपको याद हो तो कई ऐसे हमारे दोस्त थे जिन्होंने नए गाने की फरमाइश की थी, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते हैं कि जितिन दादा सिर्फ किशोरदा के गाने को तो जीते ही हैं लेकिन साथ साथ नए गाने भी उतनी ही खूबसूरत अंदाज से गाते हैं। तो उन लोगों ने ये खास फरमाइश भेजी है कि आज चेतनदा उनकी वर्सटिलिटी थोड़ी बताएं, और किशोरदा का प्रोग्राम होने के बावजूद भी नए गानों की कुछ झलक भी वो सुनाएं। तो बस यही फरमाइश को ध्यान में रख के कुछ नए गानों की झलक वो आप तक पहुंचाने की लोग डर के ताली बजा रहे हैं, वो तो यार नहीं, वो सोच रहे हैं कि क्या करें, बजाए या नहीं बजाए। I hope you will enjoy this beautiful couple of new songs. मैंने पहले ही कहा कि मैं गाना मैंने सीखा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी आपके सामने यहाँ पर गा रहा हूँ, जितने भी अच्छे सिंगर्स हैं उनका गाना, जैसे बोलते हैं ना हमारे मेरी बहन ने बताया कि कान से ऊपर बैठे हैं, तो शायद मैं भी उनमें से हूँ कि थोड़ा बहुत अच्छा सुना तो मुझे लगता है चलो मैं इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसे ही मैं गाना सीखा हूँ। तो आइए, जब राजू ने कहा कि लोग हैं जो थोड़े बहुत नए गाने सुनना चाहेंगे और किशोरदा का कंसेप्ट है, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट बिकॉज किशोरदा अपने आप में थोड़े एडवांस थे, मतलब हमेशा उन्होंने कुछ चीज़ें लाइफ में अलग अलग ही की हैं, तो आज एक ऐसी फरमाइश होते एक खूबसूरत गाना आपको पेश करने जा रहा हूँ, पेश खिदमत है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी,
मेरी आशिकी अब तुम ही हो। नया गाना है, मैं चाहूंगा थोड़ा हाथ ऊपर करके ऐसे ऐसे करें, झूमें थोड़ा। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीत, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस में नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। कि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो बस तुम ही हो, मेरी आशिकी अब तुम ही हो, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। थैंक यू सो मच। सॉरी बच्चन, अमिताभ बच्चन का, राजू भाई ने इसमें लिस्ट में अमिताभ बच्चन का गाना। अच्छा एक बच्चन साहब का गाना लेते हैं, जस्ट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ बच्चन। यस शराबी। और मेरे एक खास अजीज दोस्त यहाँ पर बैठे हैं जो मेरे स्कूल से हैं, जैसे मैंने कहा मिलिट्री स्कूल से, तो केतन खिमाणी जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त है जो बैठे। कहाँ केतन, कहाँ पर केतन, क्या छे भाई घरे? अच्छा जतो रहो बिचारो, एटलू सारू गायू छे, मैं जल्दी जतो रहो घरे, इन्हें एटला मारा गीतों गम्या छे बिचारो, जल्दी जतो रहो। मने एक बहुत खूबसूरत है, मेरा फ्रेंड था जो स्कूल में हम लोग जब गाना गाते थे तो मुझे बोलता, चेतन यार काश तू रेडियो पे गाता। बोला अच्छा, काश तू रेडियो पे गाता यार, मैं रेडियो स्विच ऑफ तो कर सकता था बोलते। तो आज केतन ने इस चीज़ को पुरवार कर दिया। आइए आपकी फरमाइश, शराबी का एक खूबसूरत छोटा सा गाना। मंजिलों
पे आके लुटते है दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की। जगह है रास्ते अपनी जगह, मंजिले अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। और हम सफर भी है मेरा, पढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। मंजिले अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह, करना जुर्म है तो जुर्म हमसे हो गया, काबिले माफी हुआ करते नहीं ऐसे गुना, तंग दिल है ये जहां और तंग दिल मेरा सनम, क्या करे जोशे जुनू और हौसला फिर क्या करे। मंजिले अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह, रास्ते अपनी जगह, रास्ते अपनी जगह। चेतन जी, अब हम प्रोग्राम के बहुत ही आखिरी दौर में हैं, तो मैं सिर्फ आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगी कि जाते जाते मुझे भी आपके साथ थोड़ा सा गुनगुनाने का मौका दीजिए। सबको गुनगुनाइए, आप गाइए, साथ में गाइए। चलो सुनो, ए भाइयों बहनो, ए मगन भाई छगन भाई, सांभड़ो रे सांभड़ो, ए राघोबा ए ढोंडीबा, आए का ओ करनल सिंह, ओ चरनल सिंह, ओ कुछ भी सुनो पापे। रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है, रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है, मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इसे चोरी छुपी चाहता हूँ तब से, दिल में ये मेरे बस गई। कुड़ी फंस गई। अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
अरे रफ्ता रफ्ता देखो आखिरी लड़ी है, अरे रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिस लड़ी है वो बाजू में ही खड़ी है। कुड़ी फंस गई। अरे मामा ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिस लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। शरारत किसने की, किसने की, अरे पहले शरारत किसने की, अरे किसने की, अरे पहले शरारत करके मोहब्बत किसने की, अरे किसने की। इसको पसंद मैं, मुझे ये पसंद है, दिल से मिला है दिल बाद यहाँ बंद है, बात भी है ये असली। पांडवा पुर्गी फसली रे फसली। अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। ये गाना महाराष्ट्र के लिए ठीक है ना, गुजरात में क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए गुजरात में, क्या बोलना चाहिए भाई। हे करसन भाई, छोकरी फसाई गई, फसाई गई। ए जिरे रिति दे सिति दे अष्टनव नीति दे, ए रिति दे सिति दे अष्टनव नीति दे, वशमा विधि दे बागवानी, हृदय में ज्ञान दे चित में ध्यान दे अभिवरान दे शंभुराणी। ए सुख को दूर कर दुख सब दूर कर, सुख भर पूर कर दुख सब दूर कर, आस सुपूर कर दास्तानी, स्वजन सहित दे कुटुंब जित दे, जंग में जित दे मा भवानी रे जीरे, जंग में जित दे मा भवानी रे जीरे, जंग में जित दे मा भवानी रे जीरे, जंग में जित दे मा भवानी। सबको नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो अंबे मात की, कारण के बार लागी गया है, मैं कहूँ चलो एक अपना गुजराती भाइयों गर्वो थी जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर योर लव एंड अफेक्शन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस, थैंक्स अ लॉट, वी लव योर सपोर्ट। और आशा करते हैं ऐसे किसी और प्रोग्राम में आप सबसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपकी होस्ट और दोस्त परीक्षी वर्मा को अलविदा कहो और फिर से मिलने का वादा करो। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।